पटना एम्स में चल रहे वैक्सीन के तीसरे और अंतिम चरण के ट्रायल में अब तक 5 दिनों में महज 40 वॉलंटियर ही आए हैं। ट्रायल 1000 लोगों पर करना है। वॉलंटियर की संख्या ऐसे ही कम रही तो वैक्सीन के लिए पूरा देश लंबा इंतजार करेगा। कोविड वैक्सीन को लेकर ट्रायल अब तीसरे चरण में है। कोरोना को मात देने वाली वैक्सीन को लेकर उम्मीद बढ़ रही है। अंतिम चरण का ट्रायल जितना जल्दी पूरा होगा उतना ही जल्दी वैक्सीन आ जाएगी। बिहार में भी वैक्सीन को लेकर जोर शोर से तैयारी चल रही है, लेकिन ट्रायल को लेकर लोग जागरूक नहीं है। पटना एम्स में सोमवार से वैक्सीन के तीसरे चरण का ट्रायल चल रहा है, लेकिन अभी तक 5 दिनों में 40 लोग आए हैं। यही हाल रहा तो 2 माह से अधिक का समय ट्रायल में ही बीत जाएगा। अधिक से अधिक लोग ट्रायल दे दें तो वैक्सीन का इंतजार जल्दी खत्म हो जाएगा। पूरे देश में तीसरे चरण का ट्रायल चल रहा है। पटना एम्स के मुताबिक देश के 20 सेंटर पर तीसरे चरण का ट्रायल चल रहा है, जिसमें 26,000 वॉलंटियर चाहिए। इसके लिए पूरे देश में प्रचार प्रसार किया जा रहा है। पटना एम्स में शुक्रवार तक 40 लोग आए। डॉक्टरों का कहना है कि 20 सेंटर जब तक पूरी तरह से ट्रायल नहीं कर लेते हैं तब तक वैक्सीन लॉन्च होने का काम लंबा होता जाएगा। ऐसे में अब एम्स के डॉक्टर लोगों से अपील कर रहे हैं कि अधिक से अधिक वॉलंटियर आकर ट्रायल करवाएं।